अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टेक्निकल तनवीर असगर के बारे में YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं। कोई कहते हैं कि हैक हो गया, ये हो गया, फ़िलहाल हो गया। मुझे भी टेक्निकल तनवीर असगर के बारे में ख़ास मालूम नहीं है, लेकिन मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। सिर्फ आप लोगों को उसका रियल औरिजिनल पर्सनल चैनल दिखाऊँगा कि कौन सा उसका चैनल है। तो मैंने उसके लिए यूट्यूब ऐप ओपन कर लिया, यहाँ से सब्सक्रिप्शन पे आता हूँ। दो चैनल है टेक्निकल तनवीर असगर, पुराना चैनल तो हैक हो गया, ये नया चैनल है। इस पे उन्होंने दो वीडियो अपलोड कर लिया है। एक वीडियो में उन्होंने ख़ुद कहा है कि मेरा अपना टेक्निकल तनवीर असगर वाला जो चैनल था वो हैक हो गया। उसके बाद जो मेरा चैनल है वो तनवीर भाई के नाम से है। अगर आप लोगों को देखना है मेरे वीडियोस, मेरे बारे में जानना है, तो आप लोग तनवीर भाई चैनल पर आ सकते हो। इसके अलावा बाकी तमाम चैनल्स मेरे अपने नहीं है। बाकी तमाम जितने भी चैनल से वीडियोज़ अपलोड होते हैं उनको वॉच मत करो, वो सारे फेक हैं। मेरे ओरिजिनल चैनल है वो ये है। दूसरा टेक्निकल तनवीर असगर वाला चैनल था वो तो हैक हो गया। तनवीर भाई जो चैनल है इस पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर लिया है 19 आवर्स पहले। इसमें उन्होंने ख़ुद बताया कि मेरा चैनल हैक हो गया और हैकर जो है वो पाकिस्तानी है, और उसका कहना ये है कि बहुत जल्द मेरा चैनल वापस हो जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा काम शुरू है। तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि तनवीर भाई का चैनल वापस हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से एक और मेन बात आप लोगों को बताऊं, बहुत ही काम देगा आप लोगों को ये मेरा बात यह है कि इसका एक चैनल तो हैक हो गया, हालांकि उसके 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन ये इसके लिए इतनी परेशानी की बात नहीं, क्योंकि इसने अपना ब्रांड बनाया है। अब अगर ये 0 सब्सक्राइबर से भी एक और नया चैनल, फ्रेश चैनल बनाएगा और स्टार्ट करेगा काम, तो बहुत ही जल्द ये ग्रोथ कर सकेगा और अपना एक और नया बड़ा चैनल बना सकेगा, क्योंकि इसका एक ब्रांड बनाया हुआ है पाकिस्तान में। 2-3 वीडियोस में ये अपने आप को, अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकेगा, क्योंकि इसका ब्रांड है। अब दूसरे यूट्यूबर है, अगर आप लोग भी यूट्यूबर हो, बाज़ ऐसे है कि इधर उधर की वीडियोज़ लगा लेते हैं, उसका कोई ब्रांड ही नहीं है, इधर उधर के टॉपिक ले के वीडियोज़ अपलोड कर लेते हैं, हाँ उनसे भी वीडियोस वायरल होते हैं और चैनल भी मोनेटाइज होती हैं और अर्निंग भी आप लोग कर सकोगे। लेकिन बाद में जब आप लोगों के पास इस तरह का मसला आ जाएगा जैसा कि तनवीर भाई के साथ हुआ है, तो फिर आप लोग उसको हल नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप लोगों का ब्रांड नहीं होगा उस वक्त। तो अगर आप लोग नया चैनल बनाओगे भी, उस पर टाइम और समय लगेगा। इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप लोग यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर काम करते हो, बहुत लंबे अरसे तक काम करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो उससे उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग सबसे पहले अपना ब्रांड बनाओ। व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, ये सब को मत देखो, सबसे पहले अपना ब्रांड बनाओ। जब आप लोगों का ब्रांड बन जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। बाद में जब आप लोग, बस अल्लाह ना करें इस तरह मसला हो जाए, फिर आप लोग दूसरे चैनल फ्रेश 0 सब्सक्राइबर्स से एक और चैनल बना के अपने आप को बहुत जल्द ग्रोथ करवा सकेगा और अपने दूसरे चैनल को भी जल्दी मोनेटाइज करवा सकेगा। मैं कहने का मकसद ये है कि अगर यूट्यूब पे आना चाहते हो और काम करना चाहते हो, तो तनवीर भाई की तरह बनो और अपना एक ब्रांड बनाओ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएं।